गडकरी को जान से मारने की धमकी देकर 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले जैश उर्फ कांता पुजारी के प्रकरण में नागपुर शहर पुलिस अब अदालत में चार्जशीट पेश करने वाली है। आपको बता दें कि जयेश ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खामला स्थित कार्यालय में फोन करके फिरौती की मांग की थी। इसके बाद से बेलगांव जेल से उसे गिरफ्तार करके नागपुर लाया गया। इसके खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया। शहर पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी जांच रिपोर्ट भी भेजी थी। इसके आधार पर NIA ने बेंगलुरु में जयेश के खिलाफ UAPA का मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण की जाँच में NIA की मुंबई इकाई कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय में नागपुर में दर्ज UAPA के मामले की जांच NIA को लेने को कहा। इसके बाद मामला कानूनी विवाद में फंस गया। NIA को नागपुर में दर्ज मामले की जांच के लिए अदालत की अनुमति जरूरी थी। NIA ने बेंगलुरु हाई कोर्ट में आवेदन किया। बेंगलुरु हाई कोर्ट मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का बताया गया। इसके बाद NIA ने नागपुर के सत्र न्यायालय में अपील की। सत्र न्यायालय ने NIA की अपील पर सवाल खड़े करते हुए उसे सक्षम न्यायाधिकरण के पास जाने को कहा। इसके बाद NIA सुप्रीम कोर्ट जाने वाली थी। इस वजह से शहर पुलिस जयेश के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं कर पा रही थी। कई दिन बाद भी NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की है। इसी बीच जयेश के वकील ने अदालत से उसे बेलगांव जेल में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। शहर पुलिस ने जयेश के प्रकरण की गंभीरता समझते हुए आरोप पत्र पेश करने के लिए 90 दिनों की मोहलत मांगी। अदालत ने पुलिस को 50 दिनों की मोहलत दी है। अब शहर पुलिस ने खुद ही जयेश के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने का फैसला किया है। ये जो प्रकरण था जिसमें 2 गुने हमने दाखिल किए थे, इसमें तपास शुरू से ही नागपुर शहर पुलिस कर रही थी। इसमें तपास में शुरुआती तपास के बाद UAPA की आवश्यक कलम इस गुने में लगाए गए। इसकी तपास नागपुर शहर पुलिस कर रही है और इसकी इनिशियल जो मुद्दत थी वो खत्म होने हो रही थी, इसलिए नागपुर सिटी पुलिस ने कोर्ट से मुद्दतवाड़ के लिए एप्लीकेशन किया था और हमें 50 डेज का एडिशनल मुद्दतवाड़ मिला है और 15 अगस्त तक ये मुद्दतवाड़ है। 15 अगस्त के पहले नागपुर शहर पुलिस इस प्रकरण में दोषारोप दाखिल करेगी। NIA ने क्या दाखिल किया है इसके बारे में हमें कोई भी प्रकार की अधिकृत जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि ये प्रकरण इंटरस्टेट रैमिफिकेशंस होने की वजह से हमारी स्टेट की दूसरी एजेंसीज, कर्नाटक की एजेंसीज और केंद्रीय एजेंसीज ये मिलके इस प्रकरण को कोऑर्डिनेटेड तरीके से तपास कर रहे हैं। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।